एमएनसी या फिर मल्टीनेशनल कंपनी के म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। एमएनसी फंड्स थीमेटिक इक्विटी फंड्स जैसे ही होते हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज में निवेश करते हैं और जो कि कई डिफरेंट कंट्रीज में भी स्प्रेड हो सकते हैं। ऐसे कोई बात नहीं है कि उनको एक ही कंट्री के मल्टीनेशनल कंपनीज को इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज तरह तरह की कंट्रीज में अपना निवेश करती हैं और तरह तरह की कंपनीज में ऑपरेट भी करती हैं। अब एमएनसी फंड्स इन्वेस्ट करते हैं कुछ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज में या कॉरपोरेशन में जो कि अलग अलग सेक्टर्स में भी होते हैं। जैसे कुछ एमएनसीज होंगी जो कि टेक्नोलॉजी स्पेस में काम करती होंगी, कुछ एमएनसीज होंगी जो कि हेल्थ केयर में काम करती होंगी, कुछ कंज्यूमर गुड्स में और कुछ एनर्जी गुड्स में। अब देखा जाए तो एमएनसीज यूजुअली एक कंपेटिटिव एडवांटेज आपके पोर्टफोलियो को दिलवा सकते हैं। अगर आप केवल डोमेस्टिक कंपनियों के फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर ये भी रहता है कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ एमएनसी फंड्स का भी फायदा हो, जो कि अलग अलग कंट्रीज का और अलग अलग सेक्टर्स का बेनिफिट भी डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू आपके पोर्टफोलियो को दिलवा पाए, क्योंकि उनकी एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस होती है, उनकी अच्छी प्राइसिंग पावर होती है, वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स होते हैं और R&D कैपेबिलिटीज भी कई ज़्यादा होती हैं केवल डोमेस्टिक कंपनियों के फोकस से हटकर। अब अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं एमएनसी फंड्स में, तो आप जान लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो को तो डेफिनेटली डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा ही, साथ ही एक आपके पोर्टफोलियो को वॉलेटिलिटी से थोड़ा सा रिडक्शन मिलता है और रिस्क भी आपके पोर्टफोलियो में कम हो जाता है। अब इस तरीके के फंड्स हालांकि ग्लोबल मार्केट का रिस्क ज़रूर लेकर चलते हैं, क्योंकि ग्लोबली मार्केट्स किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, जहां पर उनका मेन कारोबार है, उसका भी इम्पैक्ट इन फंड्स के ऊपर डेफिनेटली आता हुआ दिख सकता है। ऐसे में आपको इन सभी पैरामीटर्स को ध्यान रखते ही म्यूचुअल फंड्स में जो कि MNC फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स हो, उनमें आपको निवेश करना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।